सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं जा रहा हूँ एक नया एक्सपीरियंस के लिए, ट्रैवलिंग ब्लॉग के लिए, बिहार शरीफ, फ्रॉम बार टू बिहार शरीफ बाई बस। बस का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। देखते हैं कितने देर में पहुँचेंगे हम लोग बिहार शरीफ। अप्रोक्स 1 आवर टू लगेगा ही, देखते हैं। फिर रास्ते में बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिलेंगी एंड वहाँ पे पहुँचेंगे जब हम लोग, तो वहाँ के मार्केट, मॉल्स, बहुत सारे शॉप, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल्स, कुछ भी जो भी होगा सब में विज़िट करा जाएगा एंड जितनी मस्ती हो सकेगी मैं सारे मोमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। चलते हैं फिर, देखते हैं क्या हो पाता है। ये है हमारा बख्तियारपुर में बस स्टैंड, जो कि बिहार से रांची, रामगढ़, हजारीबाग के लिए यहाँ से बस मिलती है। और मैं भी एक बार हजारीबाग गया था तो यहीं से बस लिया गया था। बाबा का ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट्स एंड मैरिज हॉल। वाह, ये बाबा का ढाबा हर जगह मिल जाता है, बिहार के हर जगह आपको बाबा का ढाबा मिलने वाला है। जिन लोगों ने बस से ट्रैवलिंग किया है उन्हें पता होगा कि बस में ट्रैवल करना कितना मुश्किल है। और ये ब्रेकर्स बिहार में हो, इतना ब्रेकर्स है कि मतलब चक्कर जैसा आ रहा है, चक्कर ही आ जाएगा। आज जो है मैं बिहार शरीफ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे एक मेरे फ्रेंड ने इनवाइट किया है। उनका नाम है दशरथ सर। एक्चुअली वो मेरे स्टूडियो में कराटे सिखाने के लिए आते हैं, मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ। चलते हैं फिर, अभी तो रास्ते का मज़ा लिए जा रहे हैं और ब्रेकर्स के साथ। जैसा कि हर बार मैं अपने ब्लॉग में किसी न किसी जाम में फंस जाता हूँ, और आज यहाँ पे बिहार शरीफ जाते हुए हरनौत मार्केट में जाम में बुरी तरीके से फंस चुका हूँ, दिखाता हूँ। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं और यहां पे आए हैं मेरे फ्रेंड मुझे पिक करने के लिए, और आज जा रहे हैं इन्हीं के यहाँ स्टे करेंगे। चलते हैं रूम पे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, बिहार शरीफ की पहली सुबह जहां पे मैं रुका हुआ हूं, ये है वो लोकेशन, ये है वो जगह। नाइट में लाइट चली गई थी, उसकी वजह से सुबह हम लोगों को उठने में देरी हो गई। अभी कुछ देर के बाद हम लोग निकलने वाले हैं घूमने के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, तो थोड़ी देर में चलेंगे एंड दिखाएंगे आप लोगों को कैसा है ये बिहार शरीफ। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट ब्रेकफास्ट के अरेंजमेंट के लिए, देखते हैं क्या मिलता है मार्केट में, क्या लिया जा सकता है। जैसा कि मैंने रास्ते में बताया था कि अभी मैं जा रहा हूँ बिहार शरीफ और वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स का कुछ एकेडमी और इंस्टीट्यूट है, तो यही वो मार्शल आर्ट एकेडमी है जहाँ पे दशरथ सर सिखाते हैं। और अभी मैंने वीडियोस जो दिखाया है यहाँ के स्टूडेंट्स लोग हैं जो स्टंट्स एंड कराटे कर रहे थे।
मार्शल आर्ट एकेडमी है, बिहार शरीफ में है, और उनके ऑनर ये हैं मेरे फ्रेंड दशरथ सर। हाँ, सब्जी लाने के लिए मार्केट की ओर जा रहा हूँ, सब्जी लेना है हम लोगों को। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार शरीफ एक स्मार्ट सिटी है, और सच में यहाँ आने के बाद जो मुझे दिख रहा है यहाँ का व्यू और मार्केट रिस्पांस और यहाँ का डेवलपमेंट, सच में मतलब है भाई स्मार्ट सिटी है एकदम। जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट का डेकोरेशन एंड ट्रैफिक रूल्स वगैरह एंड ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग सब कुछ बहुत अच्छा है, और सच में यह स्मार्ट सिटी है ही। देखते हैं और क्या है इस बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी में, चलते हैं। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अंबेर चौक। और ये है यहाँ पे बच्चों के लिए एक चिल्ड्रंस पार्क है, मतलब छोटा सा एक पार्क है, और ये छोटा सा बच्चा पार्क में जाते हुए। आ जाओ इधर, देखो इधर, पापा पे देखो। और ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही खुश है, ऐसे ही बच्चे खुले जगह में जाने के बाद काफ़ी खुश हो जाते हैं, उनको बदमाशी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, जैसा कि कुछ है डेकोरेशन देख सकते। बैठने के लिए ये व्यू देखिए काफ़ी शानदार लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। सच में ये इंस्टाग्रामर्स लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जगह है, रील्स फोटोशूट्स काफ़ी अच्छा हो सकता है यहाँ पे। वाह, सच में भाई मानना पड़ेगा बिहार शरीफ है स्मार्ट सिटी यहाँ पे, और साफ सफाई भी ऑलमोस्ट ठीक ही है। और ये विशाल पेड़, सच में आज की सुबह एकदम बहुत मज़ा आ गया, और ये जगह पे घूम के बहुत अच्छा लगा खेलते हुए। हम लोग आए थे सब्जी खरीदने के लिए, लेकिन सब्जी तो लिए नहीं, लेकिन कुछ चौक चौराहे और पार्क वगैरह घूम लिए। और मेरा फेवरेट भिंडी सॉरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है कुछ दिनों से, और ये मेरा बेटा भिंडी खरीदते हुए, उसको ही पता है कि पापा का फेवरेट भिंडी ही है। अरे वाह, खुद से वो सब्जी खरीद रहा है। अब पैसा दे, अरे वाह। जैसा कि मैंने भिंडी ले लिया है और अब मैं जा रहा हूँ, अभी हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। और सर आज हम लोग कितने बजे घूमने चलेंगे? 2 बजे। आज 2 बजे हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड
अभी मैं जा रहा हूँ रूम पे जाऊँगा, ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ होगी, ब्रेकफास्ट होगी, थोड़ी बहुत रेस्ट होगी, क्योंकि रात को लाइट नहीं रहने की वजह से हम लोग थोड़ा सा नहीं सो पाए, सुबह लेट से भी हम लोग उठे थे, बट हम लोग निकलते हैं 2 बजे, तब फिर आपको दिखाया जाएगा और यहाँ का बहुत बेहतरीन प्लेस कैसा है हमारा बिहार शरीफ। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं विजिटिंग पैलेस की ओर। आज सर हम लोगों को लेके जा रहे हैं बड़ी पहाड़ी घुमाने के लिए, तो चलते हैं देखते हैं कैसी है हमारी बड़ी पहाड़ी। और जैसा कि देख रहे हैं हम लोग पहुंच चुके हैं वेलकम टू पर्वत। पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो चुकी है, ये पहाड़ का ही रास्ता है ना, तो ये मतलब हम पहाड़ पे जा रहे हैं हम लोग इसी रास्ते से। अरे वाह, मेरे साथ कुछ लोग भी आए हुए हैं, देख सकते हैं एक वो लड़की को और पहुंच चुके हैं अभी कहाँ, अभी चल रहे हैं, चल रहे हैं। अरे वाह, अभी भी मतलब दौड़ो, बहुत दूर है। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं, हाँ नाउ आई एम द टॉप ऑफ बिहार शरीफ। बिहार शरीफ के सबसे ऊंचे वाले जगह पे मैं अभी स्टैंड हूँ, देख सकते हैं, और यहाँ का जो व्यू है उसमें काफी कूल।
फाइनली बहुत मज़ा आ रहा है गाइज। माउंटेनिंग नहीं बोल सकते हैं, बस छोटा सा ट्राई है, बट काफ़ी हाइट है तो ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा हम लोग अभी ऊपर आए हुए हैं। सो फाइनली अब ये हम लोगों का ब्लॉग का लास्ट पार्ट है, काफ़ी थक भी चुके हैं इतने भाग दौड़ के वजह से। एंड हम लोग मतलब मैं जिन लोगों के साथ में आया था, इधर देखिए कुछ लोग हैं, और स्पेशली थैंक यू टू हिम जो इन्होंने हम लोगों को इनवाइट करा और इन सभी जगहों पे आने का, देखने का और आप लोगों को दिखाने का मौका मिला। एक कमेंट में इनके लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू जरूर दे दीजिएगा। तो वेलकम सर आपको। तब विकास कैसा लगा तुमको आके यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा भैया। और ये क्या खा रहे हो? बादाम खा रहे थे। बादाम खा रहा, काचा बादाम क्या? नहीं भूंजा हुआ बादाम है ना। और सर आप बताइए। और ये देखिए बिना मतलब क्या बोलते मेकअप की दुकान बोल सकते हैं हम, मेकअप कुछ किए हैं झूठा कहीं का। सर आने में कितना लेट हुआ था हम लोगों को? हाँ तो बाबू को रेडी तो हुआ था सर, बाबू मेकअप करने की वजह से ही लेट हुआ हम लोगों का। आप मेरे तो भाई किसके हैं? वो तो है लेकिन सच बोलने में। अच्छा सिंपल सी बात है, ये जो भाई है किनके वजह से आपको मिला है? सिंपल सी बात। सो फाइनली मेरा ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड स्पेशली थैंक यू दशरथ सर जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और इन सभी जगहों पे घूमने का और आप लोगों को दिखाने का मौका मिला। सो बिग थैंक यू टू हिम। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। कीप कनेक्टेड, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।